दक्ष की सबसे छोटी बेटी हुई माता सती। कौन? माता सती का विवाह भगवान शिव से जब हुआ, सबसे छोटी बेटी दक्ष की शिव से, एक बार दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान कर दिया। सभा में सब खड़े हुए, शिव जी खड़े नहीं हुए, तो भरी सभा में अपमान किया दक्ष ने। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आप लोग भी कम से कम बोलना सीखिए, जरूरी नहीं है हर जगह काम काम करने लग जाएं। जहां आवश्यकता बोलने की है वहीं बोलिए, जहां जरूरत नहीं है बोलने की वहां तो पेट आप रहो। शंकर जी को लगा यहां बोलना सही नहीं है, दक्ष गालियां देते रहे, शंकर जी चुप रहे। कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी गाली देना चाहिए। यदि आप भी लड़ाई करने लग गए, आप भी गाली देने लग गए, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहेगा? इसलिए जरूरी नहीं है कि जो व्यवहार आपका है वही व्यवहार हमारा हो। आपकी तरह व्यवहार हमारा क्यों हो? आपसे श्रेष्ठ व्यवहार हमारा होना चाहिए। आपके साथ जो जैसा व्यवहार करे उससे श्रेष्ठ व्यवहार आपका हो। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, दक्ष गालियां देते रहे। बाद में श्राप प्राप्त भी हुआ, शंकर जी चले गए। कनखल में दक्ष ने यज्ञ किया और सबको बुलाया, पर शिव जी का अपमान करने के भाव से शिव जी को नहीं बुलाया और शिव जी गए भी नहीं। पर माता सती बोली, मैया चला लो मोबाइल, मेरी माँ चला लो, सुन लो मेरी माँ। तो भगवान शंकर गए, माता सती और शिव जी नहीं गए क्योंकि दक्ष ने बुलाया नहीं। पर माता सती ने जब सुना कि मेरे पिता ने यज्ञ किया तो चले, माता सती चली गई बिना शंकर जी की आज्ञा के। शंकर जी ने मना किया, मत जाओ, नहीं मानी, चली गई। और वहां पर जब शिव जी का अपमान माता सती ने देखा, शिव जी ने माता सती को छोड़ दिया। सती माना एक बार राम जी की परीक्षा लेने आ गई थी, शंकर जी ने कहा कि ये भगवान है। सती जी को डाउट हो गया कि जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। शंकर जी ने समझाया कि वो लीला कर रहे, पर माता सती परीक्षा लेने गई, सीता बन के गई और बाद में राम जी ने पहचान लिया, फेल होके आ गई। तो राम को माता सती ना समझ पाई तो हम और आप अपनी बुद्धि से भला कैसे समझ पाएंगे उन राम को? राम को तो वही जान सकते हैं जिन पर वो कृपा करें, वरना बड़े बड़े मोहित हो गए। शंकर जी के बिना आज्ञा के सती जी गई और पिता के यज्ञ में जब पति का अपमान देखा तो जलकर भस्म हुई। वही सती पार्वती बनकर प्रकट हुई और फिर भगवान शिव का पार्वती जी से विवाह हुआ और प्रेम पूर्वक विवाह करके शंकर जी कैलाश पर विराजे हैं। और बड़े प्रेम से शंकर जी कैलाश पर माता पार्वती के संग रहते हैं। गृहस्थ जीवन में शिव जी प्रवेश कर गए।